हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टॉक्स पर। ले आए हम आपके लिए शेयर बाजार की नई नई खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। दोस्तों, टाटा स्टील की बात करेंगे तो टाटा स्टील के शेयरों पर ब्रोकरेज फर्म सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, जिसके बाद यह स्टॉक मंगलवार को फिर से फोकस में रहा। महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और एक्सपोर्ट ड्यूटी से जुड़ी चिंताओं के बीच टाटा स्टील के शेयरों में पिछले 3 महीने में करीब 32% की गिरावट आई है। टाटा स्टील के शेयर ने पिछले 2 साल में अपने निवेशकों को सॉलिड रिटर्न भी दिया है। सरकार ने स्टील एक्सपोर्ट पर 15% ड्यूटी लगा दी है, जिसने घरेलू स्टील कंपनियों की भी चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो देश की लीडिंग इन्वेस्टर में शामिल डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो में शामिल दीपक स्पिनर्स के शेयर पिछले 1 महीने से गिरावट के दौर में थे, लेकिन कल इस शेयर में कारोबार के दौरान 14% की शानदार तेजी देखने को मिली। हालांकि कारोबार के अंत में कंपनी के शेयर 11.47% की तेजी के साथ 233 रुपये के लेवल पर बंद हुए। दीपक स्पिनर्स ने हाल ही में 10 रुपये फेस वैल्यू पर 25% यानी पर शेयर 2.5 रुपये डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। दोस्तों, अडानी ग्रुप की बात करेंगे तो NSE पर मंगलवार को अडानी टोटल गैस के शेयरों में सबसे ज़्यादा यानी 19.90% की उछाल देखने को मिली। कंपनी का स्टॉक 2385 रुपये के लेवल पर क्लोज हुआ था। इससे पिछले सेशन में अडानी टोटल गैस की कीमत 1980 रुपये पर थी। अडानी ट्रांसमिशन में 7.5% की तेजी देखने को भी मिली है। साथ ही इसका शेयर 2219 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। दोस्तों, मामा अर्थ की बात करेंगे तो मामा अर्थ 2023 में अपना IPO लाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय स्किन केयर स्टार्टअप मामा अर्थ शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है। मामा अर्थ अगले साल $30 करोड़ का IPO लेकर आ सकती है। मामा अर्थ की स्थापना 2016 में हुई थी और कंपनी अपने टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। तो शेयर बाजार की ऐसी नई नई खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।